हाय एवरीवन, मैं हूं सतीश कुमार और स्वागत है फिर से अपने यूट्यूब चैनल आज का डेमो में। आज मैं डेमोस्ट्रेशन करने वाला हूं आपके लिए सैमसंग की 43 इंच की 43AU7600 4K अल्ट्रा HD स्मार्ट LED की। तो कैसे है इसके अंदर मिलने वाले आपको फीचर्स, क्या सैमसंग ने इसके अंदर आपको नया दिया है, हर एक चीज़ की हम बात करेंगे। इसका जो परचेज लिंक है वो भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके भी इसका प्राइस चेकआउट कर सकते हैं। अच्छी लगे तो आप वहीं से इसको परचेज कर सकते हैं। इसके अंदर कंपनी ने आपको दो साइज अवेलेबल हैं फिलहाल, एक 43 इंच, दूसरा है 55 इंच। दोनों आपको जो भी आपको अच्छा लगे, दोनों का परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, आप वहां से जाके उसको चेकआउट करें। इसी के साथ आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स में बताएं आपको वीडियोस कैसे लगते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसकी फर्स्ट लुक के साथ। तो जैसा कि अभी आपने इसकी फर्स्ट लुक देखी, सामने की तरफ से जब आप LED पे सबसे पहले आपकी नज़र जाती है तो ये पूरा का पूरा तीनों साइड से बेजल लेस डिज़ाइन के साथ आती है। कहने का मतलब इसके अंदर कोई भी आपको तीनों साइड में बॉर्डर देखने को नहीं मिलेगा, जो कि देखने में काफ़ी प्रीमियम लगता है। साथ ही इसके अंदर आपको मिलने वाली है तीन HDMI की कनेक्टिविटी, साथ ही आप इसके अंदर एक पेन ड्राइव भी लगा सकते हो। इसी के साथ आपको इसके अंदर मिल जाता है, अगर आप नॉर्मल एक केबल कनेक्ट करना चाहते हो वो आप कनेक्ट कर सकते हो। और इसी के साथ इसके अंदर आपको मिलने वाला है ऑप्टिकल फाइबर केबल के लिए भी कनेक्शन, आप इसके अंदर एक ऑप्टिकल फाइबर केबल वाला होम थिएटर भी कनेक्ट कर सकते हो। साथ ही इसके साथ जो आपको रिमोट मिलने वाला है, कुछ इस तरह का आपको इसके अंदर रिमोट मिलने वाला है जिसके ऊपर आपको नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियो, सैमसंग TV प्लस, वॉइस असिस्टेंट, न्यूमरल कीज़, नेविगेशन कीज़, ऑन ऑफ कीज़, बहुत सारी जो यूज़ेबल कीज़ हैं, बहुत ही कम कीज़ वाला ये रिमोट आपको इसके साथ मिलने वाला है, जो देखने में काफ़ी स्लिम और स्लीक आपको दिखने वाला है। तो कहने का मतलब जो सैमसंग ने इसके अंदर अपना नया डिज़ाइन आपको इंट्रोड्यूस किया है वो काफ़ी देखने में प्रीमियम लगता है। अब हम नज़र डालते हैं इसकी एक नज़र इसकी पिक्चर क्वालिटी पे। पिक्चर क्वालिटी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको पिक्चर क्वालिटी को और भी ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए मिलता है क्रिस्टल प्रोसेसर 4K, जो कि आपके नॉर्मल SD यानी कि स्टैंडर्ड डेफिनेशन कंटेंट को भी 4K क्वालिटी के अंदर इन्हेंस करके देता है। 4K का मतलब है आप इसके अंदर 2160 पिक्सल की वीडियो बड़े आराम से प्ले कर सकते हो। साथ ही इसके अंदर आप जब इसको थोड़ा नज़दीक से भी देखोगे तब भी आपको पिक्सल वगैरह नहीं फटेंगे, क्योंकि इसके जो पिक्सल पर इंच है वो फुल HD से 4 गुना ज़्यादा आपको मिलते हैं। इसीलिए इसके अंदर आपको कॉन्ट्रास्ट, पिक्चर क्वालिटी और हर एक सीन की डिटेल ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी। साथ ही इसके अंदर आपको मिलते हैं प्योर कलर्स विद 1 बिलियन कलर शेड्स, जो कि काफ़ी इंडस्ट्री के अंदर इस प्राइस पॉइंट पर काफ़ी अच्छी चीज़ है, जिसकी वजह से आप किसी भी कलर को मिस नहीं करोगे। हर एक कलर आपको डिफरेंट दिखाई देगा और नेचुरल कलर्स आपको इस TV के अंदर मिलने वाले हैं। तो एक झलक डालते हैं इसकी पिक्चर क्वालिटी पे। तो कैसी लगी आपको ये पिक्चर क्वालिटी, आशा करता हूँ आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अब हम नेक्स्ट चलते हैं इसके फीचर्स की तरफ। फीचर्स के अंदर आपको देखिए ये वाला यहाँ पे इसका स्मार्ट हब मिल जाता है। जब आप होम की को बटन को रिमोट के ऊपर प्रेस करते हो तो कुछ इस तरह का आपको इसके अंदर यूज़र इंटरफेस मिलने वाला है, जिसके अंदर एक ही जगह पे आपको सारी एप्लीकेशंस मिल जाएंगी। जैसे कि अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें तो जैसे सैमसंग TV प्लस इसके अंदर नया है, जिसके अंदर आप 100 से भी ज़्यादा फ्री टू एयर डिश वाले चैनल LED के अंदर ही चला सकते हो, जिनमें से कुछ एक आपको ऊपर दिख भी रहे होंगे। इनमें से एक्स्ट्रा भी बहुत सारे आपको और भी मिलेंगे, जैसे कि डिस्कवरी वगैरह है, बल्ले बल्ले है, टशन है, 9XM है, बहुत सारे आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। जितनी भी OTT एप्स हैं वो सब आपको इसके अंदर लगभग मिलने वाली हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, प्राइम वीडियोज़,
यूट्यूब, जियो सिनेमा, हॉटस्टार सब आपको इसके अंदर मिलने वाला है। यहाँ पे आपको एक ऐप स्टोर भी दिया गया है जहाँ से आप और भी ज़्यादा एप्लीकेशंस को चेकआउट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही इसके अंदर आपको मिल जाता है इंटरनेट ब्राउज़र जो कि काफ़ी सिक्योर है, जिसके अंदर आपको मिलती है के नॉक्स की सैमसंग की सिक्योरिटी। मतलब आप इसके अंदर जब अपनी ईमेल आईडीज़ को ओपन करते हो तो वो पूरी सिक्योर हैं, कोई भी आपका डाटा वगैरह लीक नहीं होगा। साथ ही इसके अंदर आपको मिलते हैं मल्टीपल वॉइस असिस्टेंट, यानी कि आपको इसके अंदर तीन तीन वॉइस असिस्टेंट मिलने वाले हैं। एक आपको मिल जाता है अलेक्सा जो कि अमेज़ोन का है, दूसरा आपको मिल जाता है गूगल असिस्टेंट, तीसरा आपको इसके अंदर मिलने वाला है बिक्सबी जो कि सैमसंग का खुद का है। इनमें जो सबसे बेस्ट मेरे को लगता है वो अलेक्सा लगता है, क्योंकि इसके अंदर आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का सपोर्ट मिल जाता है। मान लो आपको अगर प्रॉपर वे से इंग्लिश नहीं आती तो आप हिंदी में भी अपने टीवी को अलेक्सा के थ्रू ऑपरेट आसानी से कर सकते हैं। साथ ही इसके साथ आपको वो स्लीक सा रिमोट मिलने वाला है, जिसके अंदर वन रिमोट कंट्रोल हम कह सकते हैं। जब आप एलईडी के साथ अपने होम थिएटर वगैरह कनेक्ट करोगे तो आपको अलग अलग रिमोट उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप इसी सिंगल रिमोट से सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही इसके अंदर आपको मिल जाता है पीसी ऑन टीवी, उसका मतलब क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पीसी ऑन टीवी के अंदर क्या है, आप अपने जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को पूरा एलईडी टीवी के ऊपर ही रन कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको मिलने वाला है ऑफिस 365, जिसके अंदर आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह फाइलें वगैरह सब आप अपनी माइक्रोसॉफ्ट आईडी के अंदर बना सकते हो, क्लाउड पे सेव कर सकते हो। उसके बाद विंडोज़ पीसी से आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, मैकबुक से कनेक्ट कर सकते हो, सैमसंग डेक्स जो आजकल तो नॉर्मल हो गया, आप अपने सैमसंग के मोबाइल से सैमसंग डेक्स इसके ऊपर यूज़ कर सकते हो। इसी के साथ अगर आप स्क्रीन का स्क्रीन मिररिंग की बात करें तो इस एलईडी टीवी के ऊपर आप आईफोन से भी स्क्रीन मिररिंग स्क्रीन कास्ट कर सकते हो, मैकबुक से कर सकते हो, आप अपने विंडोज़ लैपटॉप से कर सकते हो, आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल से भी इसके ऊपर स्क्रीन मिररिंग या स्क्रीन कास्ट बड़े आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर मिलने वाली साउंड क्वालिटी की। साउंड क्वालिटी के लिए सैमसंग ने इसके अंदर 20 वाट के स्पीकर्स दिए हैं, 10-10 वाट के दो स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं। साथ ही इसके अंदर आपको मिल जाते हैं क्यू सिम्फनी का सपोर्ट। क्यू सिम्फनी एक ऐसी चीज़ है, जब आप इसके साथ कोई भी क्यू सीरीज़ का होम थिएटर आप अगर कनेक्ट करोगे तब आप एलईडी और होम थिएटर दोनों की साउंड इकट्ठी ले सकते हो विद परफेक्ट हारमोनी, यानी कि कोई भी क्वालिटी साउंड की लूज़ नहीं होगी। 20 वाट आपको होम थिएटर के साथ एक्स्ट्रा साउंड मिलेगी, कोई भी साउंड की लूजनेस नहीं होगी इसके अंदर। तो इसी के साथ एक नज़र डालते हैं इसकी साउंड क्वालिटी पे, आइए सुनते हैं। Chase leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. So. कैसी लगी आपको इसकी साउंड क्वालिटी और कैसा लगा आपको ये टीवी, कमेंट्स में जरूर बताएं। इसी के साथ मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका जो प्राइस है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाके इसका प्राइस चेकआउट करें और वहीं से आप प्लीज़ आप इसको परचेज़ करें। तो इसी के साथ वीडियो को क्लोज़ करते हैं और मिलते हैं आपसे किसी और नए प्रोडक्ट के नए डेमो के साथ। तब तक नेक्स्ट टाइम के लिए ओके, टाटा बाय।